Good morning, everyone. A very good morning. Am I audible to everyone? Yes. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. फटाफट से आ जाइए. Hi, Akanksha. Very good morning. Hello, Guddu. Hi, Vanshika. Hello, Monkey. Okay. Good morning, everyone. चल. Hi, Priyanshi. Just a second. Yes. Am I audible, बच्चों? हाँ जी. Hi, तोहित. जनाब तोहित साहब. Am I audible to everyone? Yes. चलो. आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लास्ट सेशन है, जिसमें हमारे जितने भी मसल टिश्यू बचे हुए हैं, सॉरी एनिमल टिश्यू का पार्ट बचा हुआ, वो हम कंप्लीट करेंगे. फाइनली हम कॉकरोच को कंप्लीट करने वाले हैं आज. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट अ डिले. एंड फटाफट से आपको शेयर कर देना है सेशन को और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है लाइक बटन के साथ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल. And I'm your NEET bio educator. मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. मैं खुद भी NEET रैंकर हूँ. आई एम ए डॉक्टर. सो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट बहुत अच्छा बनने वाला है. ये टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक का अपना चैनल, इसको जरूर से फॉलो कर लेंगे. सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलते हैं. अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो बस मेरा नाम याद रखना है, डॉक्टर साक्षी बरनवाल. एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. ऑल द बेस्ट. तो ही बहुत ही बढ़िया एग्जाम होगा. मैम एकदम अच्छी हैं, एकदम बढ़िया हैं. आज हम बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. कल हमने आपके जो भी डेंस और आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया था. लूज में हमने एरियोलर और एडिपोज पढ़ा था, और डेंस में बात करें तो टेंडन और लिगामेंट पढ़े थे. दैट वर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू अंडर द कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक. अब दूसरी कैटेगरी में मूव कर रहे हैं, दैट इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज. बोन क्या है, हमारा एंडोस्केलेटन बनाता है. क्या बनाता है, हमारा एंडोस्केलेटन बनाता है ह्यूमन बॉडी का. मैक्सिमम एनिमल का आपके एंडोस्केलेटन बोन से फॉर्म होता है. ठीक है, बोन में क्या प्रेजेंट होता है, आपके बहुत हार्ड, बहुत रिजिड सब्सटेंस होता है. क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है और ऑसिन प्रोटीन होता है जो कि इनको इतना स्टिफ और रिजिड बनाएगा. तो बोन में कौन सी प्रोटीन होती है, ऑसिन प्रोटीन होती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये इतना रिजिड और हार्ड बनता है. ठीक है, तो दे आर हार्ड, नॉन प्लायबल. ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड को, आप बोन्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा भी उसको मोल्ड करने की कोशिश किया तो वो टूट जाएगी, राइट, फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट. तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल होते हैं. ग्राउंड सब्सटेंस में इनके आपके कैल्शियम सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है एंड कोलाजन फाइबर जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर पार्ट्स एंड ऑर्गन. सॉफ्टर पार्ट्स और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके हमारा बोन्स रखता है, उनके लिए एक बेस बनता है जिसके ऊपर वो कवर अप कर जाते हैं. ठीक है, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. एक्चुअली अगर हम बोन्स की बात करें तो इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं. ऑस्टियोसाइट सेल, कौन से तीन सेल होते हैं बेटा, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. ये तीन तरह के सेल्स होते हैं हमारे बोन के अंदर. ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं आपके ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स. अब ये पूछोगे मैम बोन डिस्ट्रॉइंग क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड ऑस्टियोक्लास्ट. कई बार ऐसा हो जाता है कि बोन फॉर्मेशन के दौरान अननेसेसरी जगह पे आपके बोन का ग्रोथ हो जाता है, उस चीज को आपके खत्म करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल. वो अननेसेसरी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल. ठीक है, और जो बोन होता है वो एक पर्टिकुलर फैशन में, पर्टिकुलर मैनर में आपके अरेंज रहता है, जिसको हम हेवर्जन सिस्टम कहते हैं. तो बोन आपके बहुत तरीके से अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ हेवर्जन सिस्टम. किसके फॉर्म में, हेवर्जन सिस्टम के फॉर्म में. क्या होता है इस हेवर्जन सिस्टम में, इस हेवर्जन सिस्टम में बहुत सारे हेवर्जन केनाल्स होते हैं जिसके अराउंड आपकी ऑस्टियोसाइट सेल लैक्यूने में अरेंज्ड रहेंगे.
ऐसे अरेंजमेंट को हम हैवर्जन सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो ये अगर लैकुने है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिंपल सा। ये मान लो बोन का लैकुने है, ठीक है, दिस इज द लैकुने। इसके सराउंडिंग आपके सॉरी बोन का ये क्या है, दिस इज द हैवर्जन कैनाल, सॉरी सॉरी दिस इज हैवर्जन कैनाल द सेंटर वन, और इसके सराउंडिंग में लैकुने रहेंगे, अरेंज रहेंगे आपके पैरेलली टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, और ये रिंग्स में हर एक कदम पे आपके ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट रहते। इस तरह से स्पेसिफिक मैनर में आपका हैवर्जन सिस्टम अरेंज्ड होता है। कुछ इस प्रकार का हैवर्जन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड, दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड, एम आई क्लियर? ठीक है, ये क्या है, हैवर्जन सिस्टम, ठीक है, जस्ट लाइक ऑर्बिट। हाँ, एक सराउंडिंग चीज को धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये लैकुने में आपके ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ ब्लड सेल। जनरली लॉन्ग बोन्स की जब हम बात करें तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, उनका बोन मैरो जो होता है वहां पे सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पास थाइमस होता है, क्योंकि बोन प्रॉपरली बनी नहीं होती है, तब तक ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन थाइमस संभालता है। लेकिन जैसे ही हमारे लॉन्ग बोन्स मैच्योर हो जाते हैं, उनके बोन मैरो केपेबल हो जाते हैं, तो ये सारे ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आएंगे कार्टिलेज पे। कार्टिलेज बोन जैसा ही है बट बोन नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। हमने प्लांट के अंदर टिश्यू पढ़ी थी, याद करो, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पढ़ी थी। मैं दोनों को आपके दोनों को लिंक नहीं कर रही हूँ, बट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने स्क्लेरेनकाइमा पे पढ़ा था, हमने कोलेनकाइमा, वहां पे डेड और लिविंग की बात थी, छोड़ो वो सब। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कैसे थे, एकदम स्टिफ थे, अपनी जगह अपने यहाँ अड़े हुए थे, उनको कोई हिला डुला नहीं सकता। लेकिन कोलेनकाइमा सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सीबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे। सेम इज द केस विद बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन एकदम स्टिफ है, इसको हिला भी नहीं सकता कोई, लेकिन कार्टिलेज कार्टिलेज बोन से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये बोन से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनको थोड़ी सी मोबिलिटी की जरूरत है, जैसे कि आपके टिप ऑफ द नोज। अगर सोचो आपकी नाक एकदम स्टिफ होती, बोन से बनी, थोड़ी भी नाक कहीं लड़ती तो हमेशा डैमेज हो जाती, ठीक है। एक तो इतनी पतली सी छोटी सी नाक है आपकी, राइट, कहीं से भी आप उठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अक्सर आपकी नाक लड़ जाती है, ठीक है। सर्दी जुकाम होता तो अपनी नाक ऐसे से करते हैं, सोचो अगर ये बोन से बनी होती और अपनी नाक आप रुमाल से छिड़कते, बस तुरंत ही वहां पे फ्रैक्चर हो जाता, राइट। ये सारे कारण आपके यहाँ पे बोन्स नहीं यूज किया जा सकता है, इनकी जगह बनते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कौन लेता है इनकी जगह, कार्टिलेज। कार्टिलेज भी सॉलिड है, बहुत हद तक आपके हार्ड है, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें कोई भी हैवर्जन सिस्टम नहीं होता है। इनके सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। इनमें आपके कार्टिलेज सॉलिड है और प्लायबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट। मैक्सिमम जब बच्चा छोटा बनता है तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कार्टिलेज के बनते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाता है, बट कई जगह कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टिप ऑफ द नोज, ईयर पिना आपके, ये सब कार्टिलेज से बने हुए हैं। इवन कई जगह आपके बोन को फिक्स करने में, फ्यूज करने में भी आपके कार्टिलेज मदद करें, जैसे रिप्स में, रिप्स में प्रेजेंट होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो कि उनको कनेक्ट करने में, जॉइंट करने में मदद करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके क्या होता है, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट होता है। कार्टिलेज के पास क्या होता है, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन देयर मेट्रिक्स, ओके। कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं और ये थोड़ा सा आपके फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। ये टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स दैट इज स्पिना, लिम्स एंड हैंड्स में भी कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को जॉइन करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट, इन दोनों से मिलके आपका कार्टिलेज का मैट्रिक्स फिक्स होता है। यहाँ पे कोई खास कैल्शियम नहीं देखा जाता है, जो कि हमारे बोन्स में अबंडेंट था, ठीक है।
तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं, हायलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तीन तरह के कार्टिलेज है, हायलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, इज इट क्लियर? यस यस, लैरिंग्स में भी कार्टिलेज होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इवन ट्रेकिया को जो प्रोटेक्ट करता है वो भी सी शेप्ड कार्टिलेज ही होता है, याद करिए सारा। ठीक है, हाँ जी, केराटिन सल्फेट, हाँ केराटिन आपके बालों में भी मिलता है बट आपके कार्टिलेज में भी केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल ऑफ, मैं आज पहले ही बता रही हूँ, थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी, ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा बेयर करें क्योंकि हमें एक शॉट में सब कॉकरोच खत्म करना, हम कॉकरोच को पार्ट पार्ट में कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके चलिए, इट इज कार्टिलेज। ब्लड कैप्सल्स आर फॉर्म्ड इन, ब्लड कैप्सल्स आर फाउंड इन, ब्लड कैप्सल्स आर फाउंड इन, वेयर इज इट फाउंड? इट इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स के मैरो में बनता है, इट इज फाउंड इन रेड बोन मैरो, सॉरी इट इज फाउंड इन रेड बोन मैरो। बेटा हेवर्जन सिस्टम बोन में होता है, हेवर्जन कैनाल बोन में होती है। ठीक है, ब्लड कैप्सल्स मतलब कि ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहा है। ओके चलिए, नेक्स्ट आएंगे फ्लूएड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, अब हम फ्लूएड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे जिसमें मेनली आपका ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है, लिम्फ हम बहुत ज्यादा डेप्थ में आपके सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे मेजरली हम ब्लड कवर करने वाले हैं। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ब्लड का मेजर काम क्या है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, गैस को आपके ऑक्सीजन को आपके लंग से उठा के सेल्स तक पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से उठा के वापस लंग्स तक पहुंचा रहा है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को किडनी तक पहुंचा रहा है, फूड को आपके अंदर लेके जा रहा है और एसिमिलेट कर रहा है अलग अलग आपके सेल्स में ले जाके। तो बेलिन का काम क्या है, सामान को लेके जाना, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है फूड के, गैसेस के, वेस्ट मटेरियल के, हार्मोन्स के। ठीक है, जो कि आपके ग्लैंड्स हैं वो अपना सिक्रीशन, इनके पास डक्ट नहीं होता, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन जो डक्टलेस होते हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर डाउन करते हैं ताकि वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए। इज इट क्लियर? ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ब्लड में आपके मैक्सिमम परसेंटेज प्लाज्मा की होती है जिसमें कोई ब्लड कैप्सल्स नहीं प्रेजेंट होते। अगर ब्लड से सारे ब्लड सेल अलग कर दी जाए तो जो भी उसका मैट्रिक्स मटेरियल बचेगा उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड किससे बनता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ठीक है, इनसे मिलके आपके पूरा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा में लगभग आपके 70% वाटर होता है, 70 to 90%, राइट? प्लाज्मा कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा से अलग प्रेजेंट रहती हैं। इज इट क्लियर? प्लाज्मा कंटेन्स नहीं, प्लाज्मा क्या, ब्लड कंटेन्स होगा, ये क्या बना दिया यहाँ पे। आरबीसी जो होता है, तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन तरह के सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कैरियर बनता है, ऑक्सीजन इजिली आपके ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसको एक कैरियर की जरूरत होती है जो कि आरबीसी के पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड दिखता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट लुक्स रेड इन कलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट रेड कलर का होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, उसको बाइंड करके आपके सेल तक पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करना, हमारे बॉडी में डिजीज से फाइट करने का काम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एंड लास्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम है हमारे बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट रखना, क्लॉटिंग को कंप्लीट करना। जब भी हमें चोट लगती है, हमारे हाथ से खून निकल रहा है या कहीं से भी खून निकल रहा है,
धीरे धीरे वो खून रुक जाता है क्योंकि वहां पे प्लेटलेट आके अरेंज हो जाते हैं और वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। कैसे? क्लॉटिंग करके। दैट्स वॉट प्लेटलेट्स डू। इसीलिए जब भी प्लेटलेट की कमी होगी बॉडी में तो वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग देखी जाती है। ओके चलिए। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स इन इट। प्लाज्मा के पास प्रोटीन और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ। हाँ, हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है डिपेंडिंग अपॉन। फीमेल में बोला जाता है 4 से 5 लीटर होता है और मेल्स में 5 से 6 लीटर माना जाता है। ठीक है, तो एवरेज आप 5 लीटर ले सकते हो। ओके okay? हाँ, हीमोफीलिया में यस बिल्कुल, दैट्स अ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम आती है, उनका कोई क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। यस, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ। कम ऑन एवरीवन, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सारी चीजों से बनेगा, इसके अलावा आपके WBC भी रहते हैं। आ जाइए मस्कुलर टिश्यू पे अब आएंगे, मसल सेल। वेरी इजी, हमने अभी आपका खत्म कर लिया। कनेक्टिव टिश्यू भी, एपिथीलियल हमने कल ही कर लिया था, अब आपका यहाँ पे कनेक्टिव भी कंप्लीट होता है। अब हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जितने भी हमारे मसल्स हैं उनके अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट है, जो भी सेल्स प्रेजेंट है, वो सब आपके मस्कुलर टिश्यू में ही काउंट होते हैं। तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, हमने पहले भी बात की थी। पहला है, याद करिए, स्केलेटन, स्केलेटल आपका मसल टिश्यू, स्केलेटल या स्ट्राइटेड आप जिसको बोलते हो। दूसरा है स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड जिसको अनस्ट्राइटेड कहते हैं। थर्ड इज कार्डियक मसल। ये तीन तरह के आपके मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किससे बने होंगे? मस्कुलर फाइबर से, मसल फाइबर से बने होते हैं ईच मस्कुलर टिश्यू। ओके, अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट अलाउइंग देम टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। ये जब साथ में मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तभी मस्कुलर टिश्यू अपना वर्क या अपना फंक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। पहला है स्ट्राइटेड, इसमें स्ट्राइप्ड स्केलेटन या वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है स्मूथ मसल जिसको अनस्ट्राइटेड विसरल या इनवॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज कार्डियक मसल जिसको हार्ट मसल कहते हैं। ठीक है, जिसको हार्ट मसल कहते हैं। ओके, ये तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू हमारे अंदर प्रेजेंट है, मसल फाइबर हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाम सबके अलग अलग और होते हैं, वो याद रखने में। स्मूथ में कोई स्ट्राइशंस नहीं होते इसलिए उनको अनस्ट्राइटेड कहा जाता है। विसरल कहा जाता है क्योंकि विसरा ऑफ बॉडी में ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं जहां पे इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, कार्डियक मसल सबसे मेहनती बच्चा है, नेवर टायरिंग मसल। एन इंडिविजुअल्स ब्लड इज क्लासिफाइड एज डैश इफ इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ ब्लड सेल्स। बेटा एक क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, छोड़ दो, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, पता नहीं कहां से बना दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो क्वेश्चन छोड़ दो, मैं भी सोच रही हूँ कहां से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ दो। नेगेटिव क्यों होगा बताओ? प्रोटीन क्या है? एंटीजन है, तो एंटीजन प्रेजेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, बताओ बताइए। अगर ब्लड सेल के सरफेस पे किसका रिप्लाई कर दूं? मेरे को तो कोई स्पैमर ही नहीं दिख रहा है तो मैंने हटा दिया उसको। पॉजिटिव होगा ना, जब आपके एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो, प्रोटीन
स्ट्राइटेड मसल जिसको मल्टी न्यूक्लियेटेड या सिंगल मसल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, चलो क्या बात है, क्या बात है, मुझे कोई स्पैम करता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्यों परेशान हो रहे हो? और अगर आपको लग रहा है तो आप ब्लॉक कर दो, मुझे सच में कोई नहीं दिख रहा, कोई निजाम नाम का है ही नहीं मेरे चैट में। ठीक है चलिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म और सारकोप्लाज्म में आपके लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स होंगे जो कि टाइटली पैक्ड होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। अगर हम स्ट्राइटेड मसल देखें तो कुछ इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, इनके बीच बीच में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्राइटेड, और इस सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल इन नेचर। ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दिखते हैं जो कि एक्टिन एंड मायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच मायोफिब्रिल शोज डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ स्ट्राइप्स ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर, सो स्ट्राइप्ड मसल फाइबर भी इनको कहा जाता है। और इनको स्केलेटल और वॉलेंट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जनरली स्केलेटल सिस्टम जो आपके वॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, जो आपके अपेंडेजेस हैं, स्केलेटल अपेंडेजेस, वो आपके वॉलेंट्री फंक्शन करे वहीं पे ये पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉलेंट्री मसल और स्केलेटल मसल ऑल्सो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल उस जगह पाए जाते हैं जहां पे इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है, यानी कि हमारे काबू में नहीं है, वो फंक्शन अपने आप हो रहा है। हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब जब ऐसा प्रोसेस आएगा बॉडी में, वो खुद से इसको कोप अप कर लेगा। जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन में आप हर एक ऑर्गन को ऑर्डर नहीं देते हो कि स्टमक अब अपना सिक्रीशन करो, स्टमक अब प्रोटीन तोड़ो, चलो अब खाना हो गया तो अब चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचो, ऐसे आप कोई भी उनको कमांड नहीं करते हो, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू अपना सारा फंक्शनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, डाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसी जगह पे स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं जो खुद से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, इन सब में आपके स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट है, इनमें कोई भी आपके स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, ये फ्यूजी फॉर्म शेप्ड के होते हैं एंड यूनि न्यूक्लिएटेड रहेंगे। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट रहता है, कोई स्ट्राइशंस नहीं होते, इसलिए इनको अनस्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है। डायरेक्टली इनकी फंक्शनिंग ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है चलिए, थर्ड इज कार्डियक, सबसे होनहार बच्चा कौन है मेरे क्लास का सबसे होनहार बच्चा, जल्दी बताओ, हु इज द कार्डियक मसल ऑफ आर क्लास? चलो आज नाम रखते, कौन है कार्डियक मसल, जल्दी बताओ, आप लोग अपने में से बताओ ना, वोटिंग करते हैं, कौन है सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा क्लास का, जो रोज अच्छे से पढ़ाई करता है? हाँ सारे बन जाओ अब। ठीक है, यस सारे लोगों ना, हाँ तो बस अब ढंग से पढ़ाई करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, मुस्कान का नाम आ रहा है, मुस्कान बदमाशी ज्यादा करती है, बिना क्वेश्चन देखे आंसर देती है और फिर सबको गुमराह कर देती है। हाँ जी, नहीं भाई बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारे प्यारे बच्चे हैं, जो रेगुलर आते हैं उनका नाम देखो मैम को याद रहता है। ठीक है चलिए, सबसे होनहार बच्चा है, दीज आर नेवर टायरिंग मसल, नेवर टायरिंग मसल, नेवर टायरिंग मसल। ठीक है, कभी भी थकते नहीं है, कभी भी थकते नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें इनको हार्ट को हमेशा पंप करते रहना है, उनको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। ठीक है चलिए, सेल जंक्शन, इनके पास एक स्पेशल आपके चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेरा तो नाम का सिंबल ही हार्ट होगा, अरे बाप रे बाप, बस बेटा बस यही सुनना बाकी रह गया था मैम को। ठीक है चलिए, कार्डियक मसल हमारे कार्डियक मसल जो है हमारे हार्ट के इर्द गिर्द ही प्रेजेंट रहते हैं, जो उनको पंप करने में मदद करते हैं। इनका जो शेप होता है वो बहुत ज्यादा आपके किससे मैच करता है, स्ट्राइटेड मसल से भी मैच करता है, और कहीं कहीं अनस्ट्राइटेड मसल से भी मैच करता है।
स्ट्राइटेड क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, दीज आर ब्रांच्ड। स्ट्राइशंस होती हैं लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखो, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होंगे, दिस विल बी यूनि न्यूक्लिएटेड, जो कि आपके नॉन स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल की आपकी पहचान है, राइट। ये सारी चीज आपके किसमें होता है? कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल में एक स्पेशल चीज होती है जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि केवल और केवल कार्डियक मसल में ही प्रेजेंट होती है। तो ये इसके इंटरकैलेटेड डिस्क जो इनके मेन पॉइंट्स है, जो आपको याद रखने, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर? तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताया उतना ही याद रखना, इससे अधिक आपको नहीं पूछा जाएगा, यहां से कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। चल क्वेश्चन, स्मूथ मसल आर रुक जाओ बेटा, एक दो लोग को हटाना ही पड़ेगा, बहुत बहुत बदमाशी हो रही है। चलो आ जाओ, अब गए, टाटा बाय बाय हो गया। हाँ, इसमें भी डार्क और लाइट बैंड होता है, ओके। स्मूथ मसल कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी फ्यूजीफॉर्म और नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। अगर फ्यूजीफॉर्म की जगह स्पिंडल शेप होता तो भी ये सही होता, ठीक है, तो भी ये सही होता, ओके। तो स्पिंडल फॉर्म भी हो सकता है, फ्यूजीफॉर्म भी हो सकता है, एक ही शेप है। लास्ट हमारा टिश्यू है नर्वस टिश्यू। लास्ट टिश्यू क्या है हमारा? नर्वस टिश्यू, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, राइट। सबसे लंबी सेल होती है हमारे बॉडी के अंदर, नर्वस टिश्यू, ठीक है। न्यूरॉन, इसकी एक एक नर्वस टिश्यू को हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें आपके मिलके नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करते हैं। न्यूरोग्लिया इज मेड अप ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। न्यूरोग्लिया, अगर आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड टू कंडक्ट इम्पल्सेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है? इम्पल्स को लेना, ठीक है, रिसीव करना, उनको हार्ट तक पहुंचाना, हार्ट से उनको प्रोसेस करना और फिर इफेक्टर ऑर्गन तक वापस से उसका रिसेप्शन पहुंचाना, यही काम हमारा नर्वस टिश्यू करता है। अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो ऐसा दिखता है आपका न्यूरॉन, दिस इज अ टिपिकल न्यूरॉन, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, ठीक है, साइटॉन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। देखते हैं क्या क्या होता है। आप पहला स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज साइटॉन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम साइटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? साइटॉन कहते हैं, सेल बॉडी, ठीक है, जिसको सेल बॉडी भी बोला जाता है। ये साइटॉन है आपका, दिस इज द साइटॉन, सेल बॉडी, ठीक है। ये इनको बाहर की जो ये आपके ब्रांचेस दिख रहे हैं, इनको इंक्लूड नहीं करना है, दीज ब्रांचेस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर साइटॉन, ओके। ये जो ब्रांचेस साइड में निकल रहे हैं, इन्हीं को हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं को हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, दीज आर ओनली नोन एज डेंड्रॉन्स, ठीक है, इन्हीं को हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। वन सेकेंड, ठीक है, इन्हीं को डेंड्रॉन कहते हैं। और एक सिंगल आपके लंबा सा प्रोसेस निकला होता है, जो एंड में ऐसे आपके डाइवर्सिफाई होगा, इसी पार्ट को हम एक्सॉन बोलते हैं। हियर यू कैन सी द एक्सॉन, ठीक है, ये रहा एक्सॉन, पूरा लंबा सा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आपके एक्सॉन बनता है। तो दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ योर नर्वस टिश्यू, दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलिए मैम, आपको ठंड नहीं लग रही? बेटा मैं बैंगलोर में हूँ, यहाँ एक दिन गर्मी होती है, अगले दिन ठंड होती है, फिर एक दिन गर्मी होती है, अगले दिन ठंड होती है, ऐसे ही चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर बाद। और आपका जो साइटॉन है, ठीक है, साइटॉन है, सेल बॉडी है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और इसके अराउंड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ये आउटर स्ट्रक्चर, अंदर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल जैसा ही ये बिहेव करेगा। डेंड्रॉन्स क्या है? डेंड्राइट्स के प्रोसेसेस को कहा जाता है जो इनके हर एक पेरिफेरल रीजन से निकल रहा है,
और एक डेंड्रॉन जो आपका इलोंगेट हो जाता है वो एक्सॉन कहलाता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन। नर्व का कंडक्शन यहां से आता है और एक्सॉन की तरफ आगे बढ़ जाता है, इस तरह नर्व का कंडक्शन होता है, नर्व इंपल्स का। ठीक है, दिस आर द नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उनको माइलिनेटेड कहते हैं, और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उनको नॉन माइलिनेटेड कहा जाता है। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर तेज कंडक्शन कराता है क्योंकि वहां पे जंप करके इंपल्सेस जाते हैं, तो फास्टर आपके आपके इंपल्सेस को लेके जाता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, हाँ आपका कॉकरोच आ गया, आ रहा है। ठीक है बेटा, स्पैमिंग मत करिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज। देखो तुम सुधरोगे थोड़ी ना, अभी अभी अयान बेटा जी, आपको क्या लग रहा है आप 10 आईडी से आओगे, 10 से ब्लॉक होगे बच्चा। ठीक है रुक जाओ, मैं ब्लॉक ही करूंगी, छोड़ो आ जाओ। हाँ आएंगे कॉकरोचेस पे, यहां तक किसी को कंफ्यूजन टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू में किसी को कंफ्यूजन, छोड़ो बेटा स्पैमर है, लेट इट बी। देखो यार कॉकरोच आपको हाय बोल रहा है अपने एंटेना से, चलो इसको हाय करो सब लोग। यस, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, इससे लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, हटा दिया बेटा, दूसरे अकाउंट से आया, तीसरे से आया, सबको हटा दिया। ठीक है, इंडिया में जो दो तरह के कॉकरोच मिलते हैं उसमें एक है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, एक और तरह का मिलता है। ठीक है, ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं, ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। ठीक है, दो तरह की स्पीशीज पाई जाती है, एक पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जिसको हम जनरली पढ़ते हैं, दूसरा है ब्लैटा ओरिएंटालिस। ठीक है, नाम बस एक बता रही हूँ आपको, मेनली आपसे पूछा जाएगा तो पेरीप्लेनेटा के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, डबल मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, ये चल भी सकते हैं, ये उड़ भी सकते हैं, बट बहुत लंबा लंबा चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकते, एक लिमिटेड हाइट तक ही उड़ सकते हैं। ठीक है, बट दे कैन ऑल्सो फ्लाई। ठीक है चलिए, मुझे लगा मेरे फोन की स्क्रीन पे कॉकरोच आ गया, अच्छा ज्यादा लग रहा है बेटा, ज्यादा लग रहा है, आ जाओ। मैम यू आर लिटिल बिट टू फास्ट, लिटिल बिट या टू, एक ही चीज बताओ बेटा। ठीक है, बेटा न्यूरॉन के टाइप्स हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, यूनिपोलर बाईपोलर मल्टीपोलर सब बताया आपको। ठीक है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड सब बताया मैंने वहां पे। चलिए एक बार आप, अभी मैंने रिसेंटली वो टॉपिक कवर किया, आप एक बार वो सेशन देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें बेस ऊपर ऊपर से समझना है कि नर्व सेल कैसा होता है। ओके कॉकरोचेस की हाइट जो होती है लगभग आपके लेंथ, वो 1/4 इंच से लेके 3 इंचेस के बीच में लगभग होता है, यानी 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, इनके पास एक लॉन्ग एंटेना होता है जो हमें सबसे सबसे पहले कॉकरोच के अंदर दिखता है, वो उसका एंटेना होता है। ठीक है चलो, अभी किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताना। फास्ट लग रहा है, मैं थोड़ी स्लो चलूंगी लेकिन लेट इट कंप्लीट। चलिए, बदमाशी नहीं बेटा, अब हो गया ना, कॉकरोच से मिल लिए ना, अब नहीं अब नहीं, अब पढ़ लेते हैं। कॉकरोच के पास क्या, एक लॉन्ग एंटेना होता है, सबसे आगे उसका एंटेना दिखता है और उसके पैर दिखते हैं। ठीक है, पैर दिखते हैं जिसके ऊपर एक अपर बॉडी होती है जो ब्लैक या ब्राउन कलर की दिखती है। ठीक है, जिसके अंदर उनका छोटू सा हेड छुप जाता है, ये देखो तो इनका हेड है, कुछ ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है जो कि इनके ब्लैक बॉडी में छुपा रहता है, बहुत क्लियरली नहीं दिखता, मेनली इनका एंटेना दिखता है, पैर दिखता है और ऊपर की ब्लैकिश ब्राउन बॉडी दिखती है। ये पेस्ट की तरह काम करते हैं क्योंकि ये कोई भी किसी का भी भला नहीं करते, ये सिर्फ घर में आके नुकसान करते हैं, जहां पे भी कॉकरोच है वो नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, चीजों में आपके कंटामिनेशन आपके फैलाएंगे। ठीक है, खाना को गंदा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी डिजीज ही स्प्रेड होगा, तो कॉकरोच अच्छा काम नहीं करता इन शॉर्ट। ओके, तो ये पेस्ट होते हैं इसलिए इनको हमेशा मारा जाता है या लोग भगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलिए,
मॉर्फोलॉजी अगर हम कॉकरोच की देखें, आटा बहुत खाते हैं, हे भगवान, तुम लोग तो लग रहा है उसके पूरे रूटीन पे कि क्या खाता है क्या पीता है, उसका पूरा चार्ट बना के रखे हो। एडल्ट में लगभग 34 से 53 mm लॉन्ग होता है, जिसके पास दो पेयर ऑफ विंग्स होती है, ठीक है। उसका विंग्स आपके एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड भी जाता है, जनरली मेल्स में देखा जाता है कि उनका जो लास्ट पोर्शन है बॉडी का उसके पीछे तक उनका विंग्स एक्सटेंड कर रहा है। बॉडी तीन पार्ट में सेगमेंटेड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ये हेड है पहले, सबसे ऊपर जो दिख रहा है, इसके नीचे इस विंग के नीचे आपको थोरेक्स और एब्डोमेन भी दिखेगा। तो टोटली तीन पार्ट में कॉकरोचेस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ हिट बहुत छिड़क लिया, आ जाओ क्लास में। एंटायर बॉडी आपके काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड हो गए, जिस विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर कॉकरोच, ठीक है। अगर हम आर्थ्रोपोडा या कॉकरोचेस की बात करें तो सबसे इनका स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, फर्स्ट थिंग। दूसरा है जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। जो भी अपेंडेज होंगे वो जॉइंटेड प्रेजेंट रहेंगे, पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, इज इट क्लियर। ये दोनों क्लासिकल फीचर हैं हमारे आर्थ्रोपोड और कॉकरोच के, ठीक है। यहां से आप प्लांट एनिमल किंगडम भी थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की, तो हर सेगमेंट में आपके एक्सोस्केलेटल पर प्रेजेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटल, और वो किससे बना हुआ, हार्डन प्लेट स्क्लेराइट से बना हुआ है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटल है वो एक हार्डन प्लेट स्क्लेराइट से बना है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से एक दूसरे से थ्रू अटैच रहता है, ठीक है। हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है, छुप जाता है, ठीक है। जिसमें आपके 6 सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे और एक कंपाउंड आइज और एंटेना भी प्रेजेंट रहता है इन योर हेड, ठीक है। हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है कुछ हद तक, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसमें दो कंपाउंड आईज होती हैं, उसके आगे एंटेना होते हैं, अरे एंटेना थोड़ा मान लो, ठीक है। और 6 सेगमेंट से मिलके आपका ये हेड बनता है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। एंटेना जो है मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलते हैं, जो आई को होल्ड करता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड बियर अपेंडेजेस, ठीक है। एंटेना इनका अपेंडेज है, जो कि उनके मेम्ब्रेनस सॉकेट जहां पे आई आपका एम्बेडेड है उसके पास से निकल रहा है, ठीक है। हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हर एक सेगमेंट में स्क्लेराइट के फॉर्म में है, जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकली हेड की बात करें, वो ट्रायंगुलर शेप का है, उसमें दो एंटेना है, एक पेयर कंपाउंड आइज का, और वो 6 सेगमेंट से मिलके बन रहा है, ठीक है। 6 सेगमेंट हेड कैसे, हेड के बारे में लिख लो, 6 सेगमेंट, ठीक है। कंपाउंड आइज एंड पेयर ऑफ एंटेना, वन पेयर एंटेना, ये सारी चीजें आपके हेड में प्रेजेंट रहती हैं, इज इट क्लियर। चल, व्हाट मटेरियल ऑफ एक्सोस्केलेटल ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, कम ऑन कम ऑन एवरीवन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनस, काइटिन से बना होता है, ठीक है। यही काइटिन हमारे फंगल सेल वॉल में भी पाया जाता है, सेम काइटिन हमारे फंगल सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है, इज इट क्लियर। सेम चीज है, कोई अलग नहीं है दोनों, यस। आ जाओ, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठंड से हाथ काम नहीं कर रहा है, आर्थ्रोपोडा में काइटिन नहीं आता ना, क्यों नहीं आएगा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का ही है ना बेटा, इट इज हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तो बिल्कुल आपके आर्थ्रोपोडा में आएगा। अभी मैंने बताना स्ट्राइकिंग फीचर आर्थ्रोपोडा का, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब थोरेक्स पे आएंगे, हेड देख लिया, ठीक है, हेड के बाद थोरेक्स आएगा, ठीक है। माउथ पार्ट की अगर हम बात करें,
माउथ पार्ट आपका मैक्सिला भी है, मैंडिबल भी और टंग भी है, लेकिन यहाँ पे नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है। माउथ पार्ट में लेब्रम होता है जो कि मैंडिबल का ही मैंडिबल होता है, राइट। पेयर ऑफ मैक्सिला होता है जिसको लेबियम कहते हैं, ठीक है, लेबियम के फॉर्म में होता है। एंड और मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होता है जो कि टंग जैसा एक्ट करेगा, जिसको हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स, जो कि आपके माउथ के बहुत क्लोजली अटैच रहेगा, ठीक है। तो हमारे कॉकरोच के पास लेबियम भी है, लैब्रम भी है, पेयर ऑफ मैक्सिला भी है, और पेयर ऑफ मैंडिबल भी प्रेजेंट रहता है। हमारे पास एक ही मैंडिबल है, सिंगल मैंडिबल। इनके पास पेयर में, यानी इनके पास मैक्सिला भी जुड़ा हुआ है, मैंडिबल भी जुड़ा हुआ है। हमारे पास मैक्सिला जुड़ा हुआ है लेकिन मैंडिबल एक ही है, इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास दोनों ही पेयर में प्रेजेंट है। लेबियम है जो कि मैक्सिला से अटैच्ड है, लैब्रम है जो कि मैंडिबल की तरफ अटैच्ड है, और बीच में हाइपोफेरिंग्स है जो कि टंग की तरह एक्ट करता है, दैट इज प्रेजेंट इन योर माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट आएंगे थॉरेक्स है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रो थॉरेक्स, मीजो थॉरेक्स एंड मेटा थॉरेक्स, ठीक है। तीन पार्ट में थॉरेक्स डिवाइडेड। अभी हमने हेड देख लिया, हेड में क्या क्या चीजें थी, ठीक है, कंपाउंड आई देख लिया, एंटेना देख लिया और माउथ पार्ट देख लिया, ठीक है। अब हम आएंगे थॉरेक्स पे जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रो थॉरेक्स, मीजो थॉरेक्स, मेटा थॉरेक्स। सबसे आगे प्रो थॉरेक्स होगा जो कि हेड से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रो थॉरेक्स आपका नेक की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, नेक की तरह, गले की तरह काम करता है, ठीक है। उसके पीछे आता है मीजो थॉरेक्स एंड लास्ट आता है मेटा थॉरेक्स, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ योर थॉरेक्स। दोनों थॉरेक्स से, मीजो थॉरेक्स और मेटा थॉरेक्स से एक पेयर ऑफ विंग्स अराइज करती है, एक मीजो थॉरेक्स से, एक मेटा थॉरेक्स से, ठीक है। मीजो थॉरेक्स वाली विंग मेटा थॉरेक्स को कवर करके रखती है, ठीक है। पहला पेयर ऑफ विंग्स मीजो थॉरेक्स से निकलता है, दूसरा मेटा से। फोर विंग्स जो मीजो थॉरेक्स से निकल रही है उसको टेग्मेना कहते हैं, जो कि ओपेक होता है, लेदरी होता है, जो कि हमारे पीछे वाली विंग को कवर करती है। इस विंग का काम है केवल कवरिंग देना आपके हाइंड विंग्स को, एक लेदरी कवरिंग, ताकि उड़ने वाली विंग्स को वो बचा के रखे, ठीक है। और जो लास्ट में मेटाथोरिक्स है, उसके पास जो विंग्स है वो एक्चुअली उड़ने में मदद कर रही है और वो ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो आप फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, आ जाओ फिर से देखेंगे, एक बार वापस से याद करेंगे। ये है हमारा हेड ट्रायंगल, इसमें कंपाउंड आईज है, एंटेना है, माउथ में आपका पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट है, पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट है, लेबियम लैब्रम और आपका आपका हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स, राइट। चलिए उसके नीचे आपका आएगा थॉरेक्स। थॉरेक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आपका प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स नेक की तरह काम करता है, देखो प्रोथॉरेक्स नेक की तरह काम करेगा। मीजोथॉरेक्स से पहला पेयर ऑफ विंग निकलेगा जिसको टेग्मेना कहते हैं, जो कि आपका हार्ड होता है, ठीक है, लेदरी होता है, जो कवरिंग प्रोवाइड करता है आपके हाइंड विंग को, जो कि उड़ने वाली विंग है। मेटाथॉरेक्स में हाइंड विंग प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअली इनको फ्लाइंग में मदद करेगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं, ठीक है, दीज आर ट्रांसपेरेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहली पेयर ऑफ विंग को टेग्मेना कहते हैं। हाँ, कॉकरोच एक्ट्स एज ए पैथोजन, नहीं, कॉकरोच एक्ट्स एज ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर करता है, पैथोजन बैक्टीरिया ही होते हैं, ओके। चलो अब हम आएंगे लास्ट पार्ट, दैट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसमें 10 सेगमेंट होंगे। हेड में 3 सेगमेंट थे, अरे सॉरी 6 सेगमेंट थे, सॉरी सॉरी, हेड में 6 सेगमेंट थे, ठीक है, हेड हैज 6 सेगमेंट। थॉरेक्स में आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एब्डोमेन 10 सेगमेंट में डिवाइडेड है। फीमेल की बात करें, देखो मेल और फीमेल दोनों तरह के कॉकरोच होते हैं, एक ही में दोनों हो ये नहीं हो सकता, ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। हाँ, वो बिना हेड के कैसे जिंदा रहता है यान, ये भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा शांति रखिए, ये आगे चल के आपको ये भी बताया जाएगा, वो आपके न्यूरॉन वाला जो पार्ट आएगा उसमें बताऊंगी, सब बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन प्लीज स्पैम नहीं करेंगे, मैं आपको सब चीज बताऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना, पहले जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लेते हैं। एब्डोमेन कॉकरोच का क्या है, इसमें 10 सेगमेंट है।
फीमेल के अंदर जो सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट होता है वो जेनाइटल पाउच बनाता है फीमेल का, ठीक है। और इसके एंटीरियर पार्ट में ही फीमेल गोनोफोर, कोलेट्रल ग्लैंड्स, स्पर्माथिकल पोर्स, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट रहेंगी। तो सेवन एट और नाइन सेगमेंट जो है वो ही मेनली आपके फीमेल में आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसी के आगे आपके ओविडक्ट होगा, उसी के आगे आपकी ओवरी होगी, वो सारी चीज आगे होगी, ठीक है। सेवन एट्थ और नाइन सेगमेंट पे उनका जेनाइटल पाउच होता है जिसमें आपके गोनोफोर भी होगा, स्पर्माथिकल पोर्स भी होगा और आपके कोलेट्रल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो हियर यू कैन सी स्पर्माथिका, कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये सारे आपके कहाँ है, सेवन एट नाइन सेगमेंट, जो कि यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट है लास्ट सेगमेंट से जस्ट पहले। मेल्स में बात करें तो इनका जेनाइटल पाउच नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट के अराउंड होता है, इवन टेंथ सेगमेंट को आपके एक्सटेंड कर जाएगा। नाइन्थ सेगमेंट के बाद सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, एनस प्रेजेंट रहेगा, मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट रहेगा, गोनाडोफाइसस भी प्रेजेंट रहता है मेल्स में, लास्ट के सेगमेंट में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए, मेल के पास छोटी थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना वेरी लिख लो, क्योंकि आप एनल स्टाइल और आपके एनल सर्सी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देयर इज एनल स्टाइल जिसको कॉडल स्टाइल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉडल स्टाइल, प्लीज रिमेंबर बोथ दी नेम्स। और एक होता है एनल सर्सी। एनल सर्सी मेल एंड फीमेल दोनों में ही पाई जाएगी, लेकिन स्टाइल केवल और केवल मेल में पाई जाती है, यानी मेल और फीमेल को पहचानने का तरीका है एनल स्टाइल, नॉट एनल सर्सी, ठीक है। इट इज एनल स्टाइल, ठीक है। कॉडल स्टाइल है जो कि मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा, ठीक है। एनल सर्सी दोनों के ही टेंथ सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट रहेगी, लेकिन मेल्स में एनल स्टाइल अलग से होता है, थ्रेड लाइक प्रेजेंट रहता है जो कि फीमेल में एब्सेंट रहता है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एनल स्टाइल एंड एनल सर्सी, ओके, क्लियर है। कॉडल स्टाइल आपके लास्ट सेगमेंट से निकलता है बेटा, लास्ट सेगमेंट से, टेंथ सेगमेंट के अराउंड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच, आ गया ना क्वेश्चन, मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच कौन सा आपके डिफ्रेंशिएट करता है मेल को फीमेल कॉकरोच से, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, यस कॉडल स्टाइल, जो कि मेल में प्रेजेंट है फीमेल में प्रेजेंट नहीं है। देखो कौन सर्सी लिख रहा है, सर्सी दोनों में है। अब आएंगे एनाटॉमी, हमने मॉर्फोलॉजी देखा, अभी बाहर बाहर से कॉकरोच पे क्या क्या दिख रहा है, अब एनाटॉमी पढ़ने वाले कि अंदर से कॉकरोच में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं। पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री केनाल की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल काफी सिंपल है इनका, ठीक है। अगर एलिमेंट्री केनाल की बात करें तो तीन पार्ट में ये भी डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक है। ये तीन गट्स भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे कॉकरोच के अंदर। फोर गट में आएगा आपका माउथ, ठीक है। माउथ जो है फेरिंग्स में ओपन होता है एंड फाइनली फेरिंग्स आपके ईसोफेगस में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलिमेंट्री केनाल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन में, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक है। इज इट क्लियर। माउथ सबसे पहले आता है लेबिया एंड लेब्रम जो आपके थे, ठीक है, वहां से ओपन होगा फेरिंग्स तक जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आ जाता है, हमारी तरह ही है, बहुत ज्यादा सिमिलर चल रहा है। उसके बाद स्टमक नहीं आता, इनके पास क्रॉप है, ठीक है। स्टमक लाइक आपके एक पोर्शन है, इसको क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉप, फसल वाली क्रॉप नहीं है, फसल वाली क्रॉप नहीं है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर, हमारा क्रॉप और गिजर्ड ये आपके पक्षियों में भी आता है, बर्ड्स में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेक्शन आपके बर्ड्स में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे होली आपका पूरा काम, पूरी तरह से आपका काम क्रॉप एंड गिजर्ड ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो ईसोफेगस के बाद होता है वो दैट इज क्रॉप, ठीक है। इन्फ्लेटेड आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बड़ा सा, दैट्स को क्रॉप कहते हैं। ये रहा आपके माउथ, फिर फेरिंग्स, ठीक है,
उसके बाद इसोफेगस एंड देन हियर इट इज क्रॉप। क्रॉप के बाद छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम गिजर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? गिजर्ड कहते हैं। वन सेकेंड। क्रॉप हैज आउटर थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। ठीक है, क्रॉप जो होता है बाहर से मसल लेयर से अरेंज्ड है, अंदर की तरफ ये क्यूटिकल की लाइनिंग से जिसमें आपके छह काइटिनस प्लेट प्रेजेंट रहते हैं जो कि दांत की तरह यानी कि उनको डाइजेस्ट करने में, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करने में फूड को मदद कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्रॉप हुआ और इसके बाद छोटा सा एरिया जिसको हम गिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिजर्ड कहते हैं। तो पहला एरिया क्रॉप, देन गिजर्ड। अब जहां पे गिजर्ड और क्रॉप है उन्हीं के आसपास 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर निकलता है। हाँ, क्रॉप सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इनके बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये दोनों ही डाइजेशन में ही आपके इन्वॉल्व है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इनके पास यहाँ पे निकलता है जिससे वो फर्दर डाइजेशन करते हैं। ओके, जहां पे फोरगट और मिडगट मिल रहा है, यहां तक फोरगट आपका लगभग कंप्लीट हो गया, जहां पे फोरगट और मिडगट मिल रहा है वहां पे 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ब्लाइंड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ध्यान से देखो, दीज आर द ट्यूब्यूल, ये रहे। ठीक है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर द ट्यूब्यूल, कैन यू सी इट? राइट, दीज आर द ट्यूब्यूल। ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं जो कि गैस्ट्रिक या हिपैटिक सीके जैसे आपके एक्ट करेंगे, जिसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? डाइजेस्टिव जूस निकलता है। इज इट क्लियर? इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस जो कि फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट रहेगा। और आपका मिडगट यहां से स्टार्ट हुआ, मिडगट आपका आगे बढ़ा और फाइनली जब वो हाइंड गट से मिल रहा है वहां से भी आपके बहुत सारे छोटे छोटे 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंट निकल रहे हैं। इसके पहले ये ट्यूब्यूल थे, दीज वर ट्यूब्यूल। यहां पे मिडगट और हाइंड गट में आपके फिलामेंट्स हैं, दीज आर द फिलामेंट्स। कितने हैं? वहां 6 से 8 थे, 6 to 8 थे, मोटे मोटे थे। यहां पे 100 से 150 है, 100 से 150 आपके छोटे छोटे फिलामेंट्स निकल रहे हैं जिसको हम मैल्फीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में मदद करते हैं आपके कॉकरोच में। ठीक है, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। हाइंड गट फर्दर डिफरेंशिएट होता है इलियम, कोलन एंड रेक्टम में, और रेक्टम फाइनली एनस के थ्रू ओपन हो जाता है। तो आपका हाइंड गट जो है उसमें पहला पार्ट इलियम, फिर कोलम एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम नहीं प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ये आपके पार्ट है हाइंड गट। Is it clear? चल, ठीक है, क्लियर? अयान बेटा थोड़ा सा क्लास में ध्यान दोगे, आपको गिजर्ड का भी फंक्शन मैंने बताया। एक बार और पीछे से जल्दी से एक बार चेक करके आओ, मैंने अभी आपको फंक्शन बताया 2 मिनट पहले। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में ध्यान देना होगा, सवाल पे तो आप बहुत ध्यान दे रहे हो बेटा, जवाब पे थोड़ा ध्यान दोगे ना तो नंबर अच्छे आएंगे। चलिए, इन कॉकरोच आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। इन कॉकरोच आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। इट इज माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड देन गिजर्ड। मेरे पीछे गिजर्ड छुपा हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। इनकरेक्ट, गलत कौन सा है इसमें से? रॉन्ग ढूंढना है हमें। मेरे पीछे मिडगट, मेरे पीछे क्या छुपा हुआ है? मिडगट एंड हाइंड गट ये लिखा हुआ है, एंड छुपा हुआ है एक्चुअली। ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ो। आकांक्षा ने सही जवाब दिया है अभी तक, ओनली आकांक्षा हैज गिवन द राइट आंसर। चलना, गैस्ट्रिक सीका का काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस निकालना। ये कहां प्रेजेंट होता है?
फोर गट एंड मिड गट के बीच में। यहां क्या लिखा है? मिड गट और हाइंड गट, वहां पे आपके मैल्फीजेंट ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। इट इज ऑप्शन डी। हाइपोफैलेंक्स माउथ के पास ही तो होता है, जो टंग लाइक बिहेव करता है, तो ये तो माउथ के पास ही होगा। सी कैसे गलत हो गया? सी सही है एकदम। मैंने तभी तो बताया डी में क्या ऑप्शन लिखा है। चलिए नेक्स्ट आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी कैविटी में ही आपके सारा हीमोसील आपके ओपन कर रहे हैं, हीमोलिम्फ इनका पूरे ब्लड बॉडी कैविटी में ही ओपन हो जा रहा है, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर ओपन टाइप है, ब्लड वेसल ओपन इनटू हीमोसील, जो कि एक तरह से बॉडी कैविटी। ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड है, हीमो ब्लड वेसल के अंदर हीमोलिम्फ रन करता है, जिसके अंदर आपके कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स हैं, कुछ ब्लड सेल्स हैं जिसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए कलरलेस होता है। इज इट क्लियर? तो इनके ब्लड को, जो एक तरह से ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, उसमें क्या सर्कुलेट कर रहा है? हीमोलिम्फ सर्कुलेट कर रहा है, और ये ब्लड वेसल के बाद आपके हीमोसील में ओपन हो जा रहा है, इसलिए ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। चलिए हार्ट के अंदर आपके एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। हार्ट आपका कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग इन मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जहां थॉरेक्स और एब्डोमेन आपके यहाँ प्रेजेंट है, यानी पीछे वाले पार्ट में, उनके बीच में कहीं मिड डोर्सल एरिया में आपके हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारी तरह हार्ट नहीं होता प्रॉपर, इनका हार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ब्लड जो है साइनस से आता है, बॉडी कैविटी से आएगा, ऑस्ट्रिया में जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया पंप करेगा हार्ट को, हार्ट वापस से पंप करेगा ऑस्ट्रिया की तरफ, और वापस से इनको साइनस में छोड़ देता है। दैट्स हाउ देयर सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। इनका सर्कुलेशन ऐसे होता है और ओपन टाइप होता है, क्योंकि बॉडी में जाके ओपन हो जा रहा है, हीमोसील में जाके आपके फाइनली ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन की वजह से जब हम इसका सर उड़ा देते हैं, तभी कुछ देर के लिए कोको जिंदा रहता है। नहीं बेटा, नहीं, दिस इज नॉट द रीजन, ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, ठीक है। तो ब्लड आपका, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो पहला चीज आपको जो यहां याद रखना, जो क्वेश्चन आएगा, सुनो ध्यान से, दैट इज योर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या कंटेन करता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम? दैट इज योर हीमोलिम्फ, वो आपके कलरलेस लिक्विड होता है, प्लाज्मा होता है, जिसमें हीमोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड चीज, हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ट्यूब की तरह रहता है, जो कि थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में लगभग प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यही तीन मेजर क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, जिंदा रहता है उसका हेड कटने के बावजूद, बट रीजन इज डिफरेंट, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे सांस ले रहा है हमारा कॉकरोच? सांस लेने के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका वेल इक्विप्ड है, ठीक है। इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे ब्लाइंड सैक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड ग्लिस्टिंग व्हाइट एयर ट्यूब, जिसको हम ट्रेकी कहते हैं, ट्रेकी यानी ट्रेकी, छोटे छोटे होते हैं। ये ट्रेकी आपकी स्पिरिकल्स से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ट्रेकी है इनके, दीज आर द ट्रेकी, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके स्पिरिकल्स, जो नीचे की तरफ हैं स्पिरिकल्स, इनसे कनेक्टेड रहेंगे। स्पिरिकल्स कितने होते हैं? 10 पेयर्स, 10 पेयर्स ऑफ स्पिरिकल्स इनमें इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। और जब ये स्पिरिकल ओपन होते हैं, वहां पे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ये आपके ट्रेकियोल्स के थ्रू डिफ्यूजन से आदान प्रदान इनका हो जाता है, ठीक है। तो स्पिरिकल्स कैसे रेगुलेट होते हैं? स्पिंक्टर से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? ट्रेकियोल से होता है, और जब ये ट्रेकियोल्स में आएगा, धीरे से स्पिंक्टर में फिर पास हो जाती है, और ऐसे आपका एयर डिस्पर्स हो जाता है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। हमारा हार्ट किस साइड है बताओ? हमारा हार्ट वेंट्रल साइड है, इनका हार्ट डोर्सल साइड होता है। यस, बिल्कुल सही। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, क्या होते हैं आपके 10 पेयर्स ऑफ स्पिरिकल्स प्रेजेंट होंगे,
हाँ, 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। कैसे स्टार्ट होता है? ट्रेके से स्टार्ट होता है जो कि ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फाइनली स्पेरिकल से अटैच है, स्पिंक्टर के थ्रू अटैच रहते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू इनका सर्कुलेशन, अरे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? मेलफीजियन ट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट है ये? मिड गट और हाइंड गट के बीच में 100 से 150 मेलफीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है जो कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट करते हैं। दैट्स वाई कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक। कैसा होता है? यूरिकोटेलिक है, यूरिया के फॉर्म में, आपके यूरिक एसिड के फॉर्म में, सॉरी यूरिक एसिड के फॉर्म में आपका एक्सक्रीशन करता है कॉकरोच। ठीक है, मोस्टली आपके इंसेक्ट्स और आपके बर्ड्स ये लोग यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। ठीक है अयान बेटा, अब आपको तो मैं क्लास से निकाल रही हूँ, बहुत ज्यादा बदमाशी चल रही है बेटा। क्यों क्यों नहीं पढ़, क्यों बेफिजूल की चीजें बीच बीच में ही बोल रहे हैं आप। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस बाय, किसकी मदद से होता है एक्सक्रीशन? बाय द हेल्प ऑफ मेलफीजियन ट्यूब्यूल। किसकी मदद से हो रहा है? मेलफीजियन ट्यूब्यूल की मदद से हो रहा है। ओके अब नर्वस सिस्टम, अब आ गया आपका, अगर मुंडी उड़ा दें, उसका हेड उड़ा दें, तो क्यों जिंदा रहता है हमारा कॉकरोच? आइए यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पे समझेंगे। हमारा जो कॉकरोच है उसके पास प्रॉपर गैंग्लिया सिस्टम होता है। ठीक है, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं हमारे कॉकरोच के पास। ठीक है, जिसमें से 3 गैंग्लिया आपके थॉरिक्स में होते हैं, 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में होते हैं। ठीक है, ये सारे लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटीज। हेड के पास बहुत कम पार्ट नर्वस सिस्टम का होता है, इतना ही जितना उसके आंख को देखने के लिए, एंटीना को, आपके किसी भी चीज को सेंस करने की जरूरत पड़े उतना ही नर्वस सिस्टम आपके हेड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो कि वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में रहता है। बहुत ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट हेड में नहीं प्रेजेंट रहेगा, ओनली छोटा सा पार्ट रहता है जो उनको कंपाउंड आइज के थ्रू देखने में, एंटेना को सेंस करने में मदद करता है। ठीक है, हेड में आपके सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है जो कि एंटेना और कंपाउंड आइज को ही आपके सप्लाई दे रहा है, नर्व सप्लाई। बाकी सारे गैंग्लिया आपके थॉरेक्स और एब्डोमेन में होते हैं। थॉरेक्स में 3 पेयर, एब्डोमेन में 6 पेयर, जो कि अपने अपने रीजन में इनर्वेट करते हैं। अगर हम हेड कट भी कर दें कॉकरोच का, उसके मेजर गैंग्लिया भी बॉडी में प्रेजेंट है जो उनको जिंदा रखने में थोड़ी देर तक मदद करते हैं, राइट? इसीलिए हेड काटने के बावजूद आपका कॉकरोच जिंदा रहता है, क्योंकि हार्ट भी वो पंप करा सकता है क्योंकि अभी गैंग्लिया जिंदा है, स्टिमुलस मिल रहा है उनको, राइट? इसीलिए हेड कटने के बावजूद थोड़ी देर तक कॉकरोच जिंदा रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, गैंग्लिया ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को कहा जाता है। यस, वेयर मेनी नर्व फाइबर मीट, उसी को गैंग्लिया बोला जाता है। सेंस ऑर्गन में क्या है? एंटेना है, आईज है, मैक्सिली आपका पैल्स है, लेबियल पैल्स है, एनल सर्सी है, ये सारे आपके सेंसरी ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं। कंपाउंड आईज आपके हेड पे सिचुएटेड होती है जो मोजैक आपके पिक्चर बनाने में मदद करती है, क्योंकि कंपाउंड आइज के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको ओमैटीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमैटीडिया। 2000 ओमैटीडिया आपके कंपाउंड आइज में प्रेजेंट होंगे, हेक्सागोनल शेप। इसलिए जो पिक्चर बनाता है कॉकरोच, वो अलग अलग पिक्चर को आपके कलेक्ट करेगा, एक मोजैक बनाता है, जो कि बहुत क्लियर नहीं होगा, बट उनको रात में क्लियरली देखने में, सेंसिटिवली देखने में मदद करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज ओमैटीडिया उनको बहुत सारे इमेजेस रिसीव होते हैं, उनको जोड़ के वो एक मोजैक लाइक इमेज फाइनली बनाएगा, जो कि बहुत क्लियर विजन तो नहीं देता है, लेकिन उसका जो है देखने में रात में उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि ये नॉक्टर्नल, राइट? बिकॉज दीज आर नॉक्टर्नल। मोजैक पेंटिंग देखा है कि नहीं? मोजैक समझ रहे हो आप लोग? व्हाट इज मोजैक? मोजैक पेंटिंग देखी है सबने? चलो मैं एक बार बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है।
जैसे आपने एक बड़ी सी पेंटिंग बनवाई, अपने अपना ही कोई पेंटिंग बनवा लिया आपने, ठीक है, बड़ी सी पेंटिंग बनवाई, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे जब, तो ये जो पूरी पेंटिंग बनी है वो छोटे छोटे आपके पेंटिंग से मिल के बनी है, ठीक है। इसका एक एक बिट्स एंड पीसेस छोटे छोटे पिक्चर से मिल के बन रहा है, इसी को मोजैक पेंटिंग बोलते हैं। ऐसा ही मोजैक विजन कॉकरोच को भी दिखता है, ठीक है। छोटे छोटे इमेजेस जुड़ते हैं, एक बड़ी इमेज बनाते हैं, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल है, तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कभी मेल में मेल के होते हैं, फीमेल में फीमेल के, कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। टेस्टिस जो होता है 4 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के, ठीक है, एब्डोमेन के 4 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनका स्पर्मातिका वगैरह 9-10 सेगमेंट में प्रेजेंट रहेगा। टेस्टिस कहाँ है? 4 से 6 सेगमेंट में। टेस्टिस से वास डिफरेंस में जाता है और इजैकुलेटरी डक्ट में आपके ज्वाइन हो जाएगा थ्रू सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या कहता है? आपके स्पर्म्स का स्टोरेज कर रहा है इनके, राइट, स्पर्म का स्टोरेज करता है। इजैकुलेटरी डक्ट आपके मेल जीनोफोर में ओपन होगा एनस के थ्रू, जो कि आपके 9th और 10th सेगमेंट में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमिया, इतना आपको ध्यान ध्यान है। स्पर्म जो है सराउंडेड बाय सेमाइनल वेसाइकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल, जिसको स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है, यानी सेमिनल वेसाइकल के अंदर स्पर्म्स आपके स्टोर्ड रहते हैं जब तक इजैकुलेशन नहीं होता। फीमेल की बात करें, मेल में आपके 4 से 6 सेगमेंट में था, फीमेल में 2nd से 6 सेगमेंट के बीच में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें दो लार्ज ओवरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हर ओवरी के पास आपके 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल हैं, जो कि कॉमन आपके ओविडक्ट में ओपन होंगे, ठीक है, एक सिंगल मीडियल ओविडक्ट में ओपन होते हैं, इसलिए एक बार में कॉकरोच कई सारे ओवा रिलीज कर सकता है, ओके। क्वेश्चन करो, इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इट इज एन सेमिनल वेसाइकल्स। आ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ निम्फ। जब आपके कॉकरोच में जाइगोट कह सकते हो या बेबी का फॉर्मेशन होता है, ऊथेका क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को ऊथेका कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को ऊथेका कहते हैं, जो कि डार्क रेडिश या ब्लैकिश कलर का होता है, 8 mm छोटा छोटा छोटा, ओके। ऊथेका कहाँ से निकलता है? आपके कोलेट्रल ग्लैंड से, जो कि आपके 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में प्रेजेंट है लगभग कोलेट्रल ग्लैंड्स। एक ऑन एन एवरेज फीमेल से 9 से 10 ऊथेका निकलते हैं, ठीक है, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग, 14 से 16 एग जो कि कंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक बार में कॉकरोच बहुत सारे बच्चे देता है, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 15-16 बच्चे एक बार में देता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपके कॉकरोच जी देते हैं, क्योंकि इसके पास एग भी बहुत सारा है, और जो बच्चे हैं उनको निम्फ कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? निम्फ कहा जाता है। निम्फ बहुत सारा एडल्ट की तरह ही दिखता है, बस इनके पास पंख नहीं होते हैं प्रॉपर, ये सिर्फ चलना जानते हैं उस समय, राइट। ये निम्फ जो होते हैं एडल्ट बनने के लिए बहुत सारे ऑल्टरेशन करते हैं अपने बॉडी में, जिसको हम मोल्टिंग कहते हैं। कितनी ऑल्टरेशन करते हैं? 13 बार, कभी हेयर निकलता है, कभी कुछ निकलता है, एंड फाइनली जो लास्ट स्टेज निम्फ की आती है, वहां पे आपके विंग्स का एक पैडिंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है, विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है, विंग का पैडिंग प्रेजेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अब उनको विंग फॉर्मेशन होगा, ओके। तो एंड तक, जब तक एडल्ट नहीं बनता कॉकरोच, उसको विंग्स नहीं आते हैं, सारे निम्फल स्टेज में उसको बिना विंग्स के सिर्फ चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो इनका सफर बहुत थोड़ा सा मुश्किल है जब तक ये एडल्ट ना बन जाए। छोटे कॉकरोच ज्यादा आपके कह सकते हो दिक्कत करते हैं, बहुत जल्दी आपके मारे जाते हैं, बड़े वाले तोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। इन कॉकरोच फॉर्मेशन ऑफ ऊथेका इज बाय सिक्रीशन ऑफ, ऊथेका कहां से निकल रहा है?
शुरू शुरू में जब निम्फ निकलते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनमें मोल्टिंग होता है तो वो कलर चेंज भी करते हैं। होगी अंदर कॉकरोचेस, आ जाओ वापस। अभी बताया उथे का कोलेटरल ग्लैंड ऑफ फीमेल से आपके निकलेंगे, ये देखो ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड से निकलते हैं उथे का, ठीक है। फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बस इसी के साथ हमारा कॉकरोच फिनिश होता है। देखो कॉकरोच है हैवी टॉपिक, लेकिन जितने क्वेश्चंस आते हैं वो स्पेसिफिकली मार्क्ड कराए मैंने, ठीक है। उतना ही पढ़ना, बहुत डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। निम्फ में आएगा कितनी मोल्टिंग होती है, 13 बार, ठीक है, 13 टाइम्स होती है, ठीक है। इनके पास विंग्स नहीं होते, एडल्ट में ही विंग्स होंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आपके ऊथे का रिलीज हो रहा है, कोलेट्रल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, यही सारे क्वेश्चन है जो ऊपर ऊपर सबसे पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ घुस के नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मैलफीजेंट ट्यूब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड गट, हाइंड गट में, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछा। डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकल रहा है, वेयर इज दैट पार्ट प्रेजेंट, तो वो ट्यूब्यूल 6 to 8 ट्यूब्यूल्स आपके फोर गट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फोर गट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन टॉपिक टफ है बट क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज होते हैं इनके, ठीक है। हाँ, कौन से सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, फीमेल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ है, स्पर्मेथिका कहाँ प्रेजेंट होता है, जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दीज आर द मेन क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। चलिए, किसी को कोई क्वेरी है? कभी पढ़ा नहीं है, इजी टॉपिक, बस यही कि तुम लोग अवॉइड करोगे ना तो पाइल अप होता रहेगा। चलिए, अभी नीट के अंदर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है बच्चों, ऑन यूजिंग द कोड साक्षी 100, इस पे आपको फ्लैट 52% तक का ऑफ मिल सकता है, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, चाहे 6 मंथ का ले, 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ, ठीक है। अभी आपको जो पे करना अमाउंट, दिस इज द फाइनल अमाउंट विच यू हैव टू पे फॉर नाउ, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए आपको दिया जा रहा है ऑन यूजिंग दिस कोड, ठीक है। चलिए, ऑल स्टार बैच आपका आ रहा है, आ गया है 25th of November से, तो इसमें आप पार्ट इसमें भी आप प्लस या आइकॉनिक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। एंड अनअकैडमी सेंटर अब जनकपुरी और दिल्ली में भी ओपन हो गया, जनकपुरी दिल्ली के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में भी आप पढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, और प्री बुकिंग अनअकैडमी सेंटर से 99 रुपीज में हो सकता है ऑन यूजिंग द कोड साक्षी 100, आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। बाकी कंप्लीट बच्चों लाइव है और लाइव रहेगा आपके लिए, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाए, आपकी रैंक बेहतर हो पाए, इसको जरूर देना है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग 11:30 AM मिलेंगे, 11:30 पे हम लोग आज प्लांट किंगडम के PYQs करने वाले हैं, तो आई विल सी यू गाइज ऑन स्पेशल क्लास। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का दिया, आप वहां से पहुंच जाएंगे सेशन में, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, लाइक एंड शेयर दी सेशन। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मेरा नाम याद रखना, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर, ओके। चलिए, बाय बाय एवरीवन, हैव ग्रेट डे, ठीक है, चलो।